अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? हम उठ चुके हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखिए कि भाई के सिर पे क्या लगा हुआ है। और जर्निश, आप क्या कर रही थी? जर्निश किससे बात कर रही थी? अरे यूट्यूब फैमिली, ये देखिएगा, ये कल जब बारिश में बच्चे भीगे हैं तो जर्निश की सारी बुक्स भी गीली करके लेके आए साथ में। अब ये इनको यहाँ रखा हुआ ताकि अच्छी तरह सूख जाए। बुक्स का सारा हाल बुरा हो गया है। ये देखें, कॉपीज बुक सब गिली हो चुकी थी, अब इनको रखा हुआ है कि सूख जाए ज़रा। जी व्यूवर्स, ये देखें, मैं बेडरूम में आई थी, इन सबको खाना मैंने डाल दिया, कुछ खा रहे हैं, कुछ खा चुके हैं। टेम्परेचर अभी भी बहुत अच्छा है, ये देखें 27 टेम्परेचर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी कूलर भी बंद है, सिर्फ फ़ैन और एग्जॉस्ट फैन चल रहा था। ये देखें, अब मैं इनकी ट्रे साफ़ कर रही हूँ, ट्रे मैंने सारी निकाल ली हैं। ये देखें नीचे भी गंद, देखें इनका बहुत गंद मचाते हैं, ये बहुत गंद मचाते हैं, गंदे बच्चे हैं बहुत, दाना भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, लेकिन वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा दाना जो इनकी ट्रे में से निकला है, ये मैं डालूँगी शॉपर में और ये मेरी मुर्गियाँ खा लेंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ट्रे में वॉश कर रही हूँ। ये देखें, ट्रे मैंने वॉश कर ली है। आज मैंने सुबह सुबह उठ के बस नाश्ता भी नहीं किया, पहले मैं इनका काम करने लग गई, क्योंकि मैं थर्सडे को ये काम करती होती हूँ और कल मेरी सिस्टर ने आना है 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी से, तो इसलिए फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो कल नहीं किया जाएगा, तो इसलिए फिर अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। ये देखिए कितना गंद होता है, इसको मैं ये स्क्रैपर लेती हूँ, ये जबकि स्क्रैपर पीछे से बहुत शार्प हो गया, हमारा हाथ भी काट देता है, लेकिन अब मैंने ये किया हुआ कि इसको, ये देखें, इससे पकड़ के और इस तरह से ना, इस तरह से बस दो रह गई हैं। अब इनको मैं ये स्क्रैपर से जो है ना, स्क्रैपर की मदद से मैं इस तरह करके, ये देखिए इसको, जी वो देखें, जर्निश भी आई है मेरे पीछे ऊपर। हाँ जी, अच्छा जो आप भाई को मम्मा कह रही है मत तंग करो मुझे, ये बस इनके यही चलते रहते हैं, बस पूरा दिन यही चलता रहता है। जो आप भाई तंग कर रहा है, जो आप भाई तंग कर रहा है, कभी दोस्ती हो जाती है, कभी जी हम खेल रहे हैं, तंग नहीं कर रहे, मैं यही कुछ चलता है। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से स्क्रैपर की मदद से कर लेंगे, स्क्रैपर बड़ा शार्प हो गया है कर कर के, तो ये देखें जैसे किनारे बहुत शार्प है, हाथ पीछे कट जाता है, फिर बहुत दर्द होती है, 2-3 दिन तक जो ना मिर्ची लगती रहती है, क्योंकि पता है आपको कि एक तो लोहा है, ऊपर से जरासीम होते हैं बीच में, तो इसलिए चले मैं इसको साफ़ कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ट्रे सारी धुल चुकी हैं, ये देखें यहाँ पर और कुछ यहाँ पर है, तो फिर अब मैं भी नीचे चलती हूँ, जब तक ये सूख जाती है मैं नाश्ता करके आती हूँ, चाय वगैरह पी के आए ज़रा, चलें फिर नीचे चलते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे खेला जा रहा है, शुक्र है इनकी भी कोई दोस्ती हुई। ये देखें, लो जी अब वो भी यही करेगी, ए फिश टिश हो गया, जिसने सिर सुर पे नहीं मारना। ये देखें वो उधर गया, आपका भी ये देखें इनके काम, देखें काम, ये लंबू जी, लंबू जी, जी बोलो छोटू जी, ये वो वाली इनकी स्टोरी है, गिट्ठू जी गिट्ठू जी, हाँ बोलो लंबू जी, एक तेरे की आप ए जंजुआत ने मारा जर्निश को, और अब जर्निश की बारी, और जर्निश ने मैदान अपना ले लिया है, और ये देखे 1 2 3 टॉय टाइम फिश, ए ऐसे, अब फिर से जर्निश की बारी, ये देखे वहां, हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे, ए ए ए ऐसे वो गया। ये देखे, ये इनकी गेम है, ओ ओ, ये देखे जर्निश ने स्लीपिंग सूट भी नहीं बदला अभी, और उसी में ही खेलने शुरू हो गए हैं दोनों, नाश्ता कर चुके हैं, और ये देखिए ओ जर्निश, और जवाद की बारी, और जवाद ने ओ, ये देखिए यहाँ पे आ गया। चलें जी, इनको ये खेलने देते हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नाश्ता, चाय का कप हम पी चुके हैं, चाय हमारी फारिग हो चुकी है, और ये देखें जी, ये अभी भी इनका गेम जारी है, और चलो जी शुक्र है कि कुछ तो हंसी खुशी से खेल रहे हैं। अल्लाह मियाँ ये गर्मियों की छुट्टियाँ ठीक ठीक गुजार दे, सब मेरे साथ मिलके दुआ करें,
अल्लाह मियाँ हमारी ये गर्मियों की छुट्टियाँ हंसी खुशी गुजार दे, लड़ाई झगड़ों के बगैर। सब मेरे साथ मिलके दुआ करें, जिन जिन के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनकी छुट्टियाँ हो गई हैं, वो मेरा दुख बखूबी जान सकते हैं। सब दुआ करें, सो हाथ उठा के, अल्लाह जी हमें इन दोनों बच्चों और सब लोगों के अपने अपने बच्चों के शरों से महफूज रखे, और ये छुट्टियाँ बखैर व आफियत, सबके सिर सलामत, सबकी टांगें सलामत, ये छुट्टियाँ ख़त्म हो और ये बच्चे दोबारा स्कूल को जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें जर्निश की आज की ड्राइंग, देखें ज़रा माशाल्लाह, देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त बनाई है। व्यूवर्स अब हम जा रहे हैं चिकन लेने, क्योंकि कल गेस्ट आ रहे हैं तो चिकन लेने, कुछ और बाहर के काम है। मैं और जवाद भाई जा रहे हैं, ये हमने सूट, एक बाबा जी हैं यहाँ पे बड़े अच्छे नमाजी परहेजगार बंदे हैं, तो उनको हमने ईद के लिए सूट देना है, तो वो भी दे के आएंगे साथ में, साथ में चिकन वगैरह लेके आएंगे। ये देखे आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। तो अब मैं बाइक निकालूंगी चल के, ये जवाद भाई आ रहे हैं। ये देखें मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, बाइक बस रात की मुझे लगता है ढकी ही नहीं, भूल गया ढकनी। तो बिल्ली ने, ये देखें बिल्ली ये नहीं कर जाती यहाँ पे, बिल्ली ने बड़े तंग किया हुआ बिल्लियों ने। तो चलें फिर चलते हैं, बाइक निकालती हूँ मैं। तो गाइस आपको तो बहुत ही पता होगा, कोई लोग मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई लोग अपने टैब की अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई एप्पल वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई महंगी महंगी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं। आज लोगों ने आईफोन की अनबॉक्सिंग की होगी, मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग की होगी। आज जो मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ ना, वो पूरे यूनिवर्स में किसी ने भी नहीं की होगी। मैं करने लगा हूँ झाड़ू की अनबॉक्सिंग। टंग 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 टंग। ये देखिए गाइस अपने स्क्रीन में, और ये देखे बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए चेक करें गाइस, बहुत ही अच्छा रंग है, और मैं आपको क्या ही बताऊँ क्या ही बताऊँ। और ये देखिए कितना प्यारा है, और ये देखें गाइस क्या मजे की चीज़ है, टेप खोले, वाह क्या मजे की सेटिस्फैक्शन वाली आवाज है, और लुक एट दिस, ये देखें गाइस क्या सेटिस्फैक्शन चीज है। और आज मैं WWE के यूनिवर्स रिकॉर्ड को तोड़ दिया, मैं पूरे यूनिवर्स को चैलेंज देता हूँ, कौन मुझे ऐसे झाड़ू की अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा, वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। चलें जी, जिसके अंदर हिम्मत है जो आज की तरह झाड़ू की अनबॉक्सिंग करके दिखाएं जरा, और हमें टैग करें। और ये देखें जी, जी व्यूवर्स, जुआद भाई की अनबॉक्सिंग के बाद मैं अब ऊपर आ गई हूँ दोबारा से स्पाइकर ने, आज हमने इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो अब ये देखें इनकी मैं सफाई करूँगी, इन्होंने और भी नीचे काफ़ी गंद मचा दिया है, जो खाना भी गिराया है, अब ये सारा साफ़ हो जाएगा। ये मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, चलें जी फिर मैं सफाई कर लूँ फटाफट। जी व्यूवर्स, ये देखें मैं ऊपर आ गई हूँ, और मैंने मुर्गियों को खोल दिया है, और चलें देखते हैं कि किसी ने अंडा दिया कि नहीं अंडा दिया। लो जी आज तो किसी ने भी नहीं अंडा दिया, और चीखे ही ऐसे मार जैसे इन्होंने किसी ने अंडा दिया हुआ है, तो अंडा किसी ने भी नहीं दिया आज। चल गर्मी हो गई है ना अभी, वो देखें वो ऊपर कौवों के लिए पानी रखा है, वो वहाँ से पानी पी रही है, इसको थोड़ा ना कि बाकी मुर्गियाँ इसको बेचारी को मारती हैं। बाकी ये चूज़े भी हमारे खुले में देखें, चीले भी यहाँ पर बैठी होती हैं, इसलिए हमें इनकी ड्यूटी फुल देनी पड़ती है चूज़ों की, कि कहीं ये ना हो कि इतनी मेहनत की है, इतने बड़े हुए हैं अब तो ये चील के मुँह ना लग जाए कहीं, तो मेहनत करनी पड़ती है, इनको देखना पड़ता है बैठ के। तो मैं साथ में अपनी चाय लेके आई, उनके साथ में चाय मैं पीऊँगी, और साथ में इनको देख लूँगी, चल दो काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो चलें ये देखें, उधर मैंने दाना एक साइड पर डाला, कल छत की सफाई की थी, तो ये जब भी निकलती हैं बहुत गंद मचाती हैं, तो इसलिए हमें ये दाना साइड पर डाला है कि एक साइड पर गंद हो। तो बाकी मैं इनको पानी डाल दूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखें व्यूवर्स, बच्चे ट्यूशन से वापस आए हैं अभी, ये देखें जनिश और ये जवाद भाई आते साथ ही कंप्यूटर ऑन कर लिया है। मम्मा की क्या देखें, गंदा बच्चा। और हमारे मिट्टू जो है ये भी
अपना पिंजरा इनका साफ हुआ है, अभी साफ सुथरा ही है। बेचारे सजा काट रहे गए बैठे, अब इनकी सजा खत्म हुई है। और मैं पका रही हूँ राइस, मैं पका रही हूँ उबले हुए राइस दाल के साथ। दाल आज मैंने बनाई है और नेशनल का, इसमें मैंने ये देखें दाल मेरी, इसको मिक्स करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की दाल पकी है आज, ठीक है। ये बड़े मज़े की दाल पकी है आज। मैंने इसमें नेशनल का मसाला डाला, दिखाती हूँ कौन सा। ये देखें मैंने आज इसमें ये वाला नेशनल का मसाला डाला है, आज बहुत ही मज़े की दाल बनी है। मैंने फर्स्ट टाइम डाला है, मैंने काफ़ी देर का लिया था लेकिन ट्राई नहीं किया था, आज मैंने डाला। यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आई हूँ, धनिया चटनी के लिए, बीच में अम्बी डालूँगी, तो ये मैं चटनी के लिए सामान लेके आई हूँ। बंद गोभी लेके आई हूँ पैरेट्स के लिए, ये भी कुछ वेजिटेबल मैंने धो के रखे हैं, ये भी मेरे बर्ड्स के लिए हैं। ये देखें गाजरें, खीरा, ये है तोरी, घिया तोरी, और ये है खीरा। खीरा कुछ बच्चों के खा लेंगे, कुछ उनको डाल देंगे। ये उनका सामान आया। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें ये वो क्या है, ये है कांजी। ये जब मेरे ब्लॉग में मेरे भांजे ने देखी थी तो उसने बड़ा अपने घर में कहा था अपनी मदर को कि मुझे भी कांजी चाहिए। तो ये मेरे पास एक बोतल, दो बोतलें थी, एक मैंने निकालनी थी और एक अंदर ही पड़ी थी, मैंने निकाली है। सुबह उन लोगों ने आना है तो सुबह उनको टेस्ट कराऊंगी। और ये लहसुन लेके आई हूँ मैं छिलावा, इसमें क्या हुआ जवान? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पीछे इसने सारी, पिछली दफा भी सारी इसने पी थी। ये जो चीज है ये आदिल भाई के लिए निकाली है मैंने। एक सेकंड। नहीं नहीं ये बंद, अभी जमी भी है बेटा, जमी हुई है, अभी छोड़ दो। तो अभी आप इसका सोचना भी नहीं, ठीक है ना। चलो किचन से बाहर, किचन से बाहर, बाहर बाहर बाहर, किचन से बाहर। यस यू के वो देखो उसको मिठे मिठू वो एक है। ये जुर्निश की हरकत देखे, इसने दरवाजा खोल दिया और बाहर की विंडो खोली हुई। ये देखे जल्दी से बंद किया हमने। जर्निश को तो और कोई काम ही नहीं जिंदगी में इनको खोलने के अलावा, वो इसीलिए जर्निश को देख के खुश होते हैं कि जर्निश इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। तो ये देखें व्यूवर्स, जर्निश को आजकल स्पेलिंग्स की शौक चढ़ा हुआ है, भाई से पूछ पूछ के हर चीज पहले बनाते हैं। भाई से पूछ के ये देखें जरा इसके काम, खुद भी उल्टे काम कर रहा है, उसको भी करा रहा है। ये देखें जवाब, उसका गला खराब हो जाएगा, पागल हो आप? अच्छा करे तेरे दांत ही निकाल ले साथ में। ये देखें, ये देखें वो बटन तोड़ा उसके, ये रियो ना बहुत गंदा हो गया। देख जवाब मत खिलाओ उसको, पागल हो तुम? व्यूवर्स ये देखें इसको, अम्बी के छिलके खुद भी खा रहा है इस वक्त रात के 10 बजे और उसको भी खिला रहा है, तो बताएं ये बीमार हो जाएगा ना। उल्लू सारा होता है, वो खुद भी गलत काम करता है और उसको भी करा रहा है। वो तो पहले ही, वो तो ना समझ जाए उसको क्या कर लो। वो देखें वो उसका बटन अब खाने के चक्करों में। मामा पकड़ने दिया। हाँ तुमने जो करना था कर दिया, मैं पकड़ लूँ। ये देखो आपी ने क्या बनाया है, ये क्या लिख रही है, ये फारसी लिख रही है मुझे तो लग रहा है। काला पुस्ता, पुस्ता, काला पुस्ता। ये देखें ये ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल। ये बस ऐसे ही काम है इसके। ये चले व्यूवर्स, ये देखें इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ के हमने बंद किया और इनकी, इनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह से ये देखें जरा बाहर निकल आएंगे। रियो के फैल्कन के दोनों के काम ऐसे ही हैं, वो कहते हैं हम बाहर निकलें और जवाब ने मुझे बहुत तंग किया हुआ। ये देखें, ये देखें जवाब की हरकतें देखें, चेक करें जरा। चले फिर देख लें गाइस, देख लें, ये देखें ये देख लें। चले जर्निश तो फीडर पी रही है, सोने की तैयारी में है। और चले अब बस हम भी जो आप है भी देख लें गाइस, सारे देखते हैं। मैं जो हूँ अब चले जी व्यूवर्स, अब हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं अभी एडिटिंग करूंगी और उसके बाद सोऊंगी और फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ आएंगे। कल हमारी बच्चों की हाला आ रही है और कज़न आ रहा है जवाद का, तो चले फिर कल मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जवाद, अल्लाह हाफिज़ जवाद। नहीं बात करता जवाद, अल्लाह हाफिज़। मैं नहीं बात करता। अल्लाह हाफिज़ जवाद, जो अल्लाह हाफिज़ जवाद। बात करता।
अल्लाह हाफिज जवान, जवान नहीं बात करता, बात नहीं करने को कह रहे, अल्लाह हाफिज करने को कह रहे। जनी साहब कह दो अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, साथ। बाय 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 चलें जी, बाय बाय।